अब ये युवराज भाई हमारे सब्सक्राइबर नहीं थे, अभी अपनी पढ़ाई सुन के सब्सक्राइबर बन गए। तो अगली बार जब इनका पढ़ेगा ये खुद देख लेंगे अपना। लेकिन पढ़ाई ऐसी ही नहीं थी, अच्छा बनाया था इसलिए पढ़ाई की है। ठीक है, एक्चुअली मैं आज अपन जा रहे हैं रोड ट्रिप पे बिलासपुर से रायपुर पे, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, और कुछ एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे क्या क्या खास है वहाँ पे, घूम सकते हैं या एक दिन के लिए रायपुर आया है कोई और एक दिन के लिए रायपुर अगर से घूमना है तो क्या क्या वो देख सकते हैं उसको अपन एक्सप्लोर करेंगे, और रोड ट्रिप में कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो भी शेयर करेंगे। और फिर आप बताइए कि रोड ट्रिप आपको कैसे लगी, या इवन अगली बार से अपन रोड ट्रिप भी किया करें क्या, वो भी आप सजेस्ट करिए। तो चलते हैं, और बीच में कोई इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं ये बिलासपुर से रायपुर के बीच का रूट 111 किलोमीटर का है, और अभी करीब करीब 4 लेन रोड बन रही है जो कभी पूरी बनी नहीं है, अरे 2-3 साल और लगेंगे। एक्चुअली में देखिए, ये रायपुर जब अपन जाते हैं तो पहले तो रोड काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब ये 6 लेन रोड हो रही है, और हो रही है तो पूरी नहीं हुई कंप्लीट, काम लगातार जारी है। तो रोड काफ़ी जगह तो बहुत अच्छी है, काफ़ी जगह बहुत ही ख़राब है। अभी आप देखेंगे सामने तो काम चल रहा है, तो एक साइड की रोड बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे कम्प्लीट ही हो गया, और बाकी साइड की रोड तो बिल्कुल टेरेबल है। अभी अपन नान घाट पे हैं, और ये शिवनाथ नदी का पुल है, और एक्चुअली में यहाँ पे 4 लेन रोड बन रही है, तो उसके हिसाब से ये पुल भी नया बन रहा है नीचे। देखिए अब नीचे काम चल रहा है। काफ़ी देर हो गई है अभी ट्रैवल करते करते, और थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि रायपुर में हो सकता है कि इतना टाइम रहे नहीं कि अपन कुछ खा पाएँ, इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी है। और ये पीछे मिलन होटल है, नान घाट के पुल से आगे निकलेंगे तो एक होटल मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक दो बार और ट्राई किया है यहाँ पे, तो आज और खाते हैं और देखते हैं मज़ा आता है कि एवरेज है, वो आपको उसके बाद बताएंगे। फोन लेंगे ऑर्डर भेजना ऑर्डर वाले को, क्या क्या है नाश्ते में? डोसा मिलेगा, इडली, पोहा, समोसा, प्याजोड़ा। एक काम करो, एक इडली ले आओ और एक मसाला डोसा ले आओ, और कॉफ़ी भी मिल जाएगी जी ले, इसमें कॉफ़ी लगा पानी का बोटा, पानी का बोटा बहुत सारी। अभी यहाँ ऑर्डर किया है नाश्ता वगैरह, और नाश्ता करने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है। हालांकि यहाँ पे फैसिलिटीज काफ़ी है, क्वालिटी वगैरह अच्छा है, ऑन द वे अगर आते हैं तो यहाँ पे स्टे करके आप एक रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी इडली आ गई है, उसको खाते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ निकलते हैं। टाइम तो काफ़ी लेट हो गया, करीब 10 बज रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे 8 बजे क्रॉस कर जाना था, काफ़ी डिले है, पास पास चलेंगे अब। अपनी इडली धो गई, अब एक तो सांभर बड़ा खा लेते हैं जैसे फुल टाइट हो जाए, फिर रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, और अपनी जर्नी कंटिन्यूस रहे, इवन खाने के लिए रुकना ना पड़े। घर पे नाश्ता तो हो गया, अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपन आगे, और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी अपन डेस्टिनेशन पर पहुँचें,
अदरवाइज डिले होने फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। जहाँ ठीक ठाक था, सुविधाएँ काफ़ी थी, तो आप अगर यहाँ आए तो डेफिनेटली यहाँ विजिट करें। कॉफ़ी मिल जाएगी? कॉफ़ी मिलेगी, एक कॉफ़ी ले आओ। कॉफ़ी पीना जरूरी है, रात नींद पूरी हुई नहीं है, थकान सी लग रही है। ये मेरी कॉफ़ी छोड़ के सबकी ला रहा है मेरे को वेट करा रहा है क्योंकि मेरे को जल्दी है। ये भाई कॉफ़ी लेके आए हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, तो इनका थैंक यू सर। और ये मेरी स्पेशल कॉफ़ी। रायपुर तो पर आ गए हैं, काफ़ी लंबी जर्नी रही। एक्चुअली में रोड बहुत ख़राब थी तो रायपुर पहुंच गए। आज हम रायपुर के मरीन ड्राइव में हैं। यहाँ होने के दो रीज़न हैं, दो रीज़न। एक तो ये है कि यहाँ पे इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग है और दूसरा रायपुर का फेमस स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिलता है जो पीछे साइड है, तो वो जाके अभी अपन ट्राई करेंगे। मोमोज बनाते हैं, लड़का बनाता है तो बुलाओ फिर खाएंगे। अभी मिलेगा वेज वेज कहाँ से बना के लाते हैं मोमोज? ये घर बनाते हो? और क्या क्या डालते हो? पत्ता गोभी डालते हैं। बराबर क्या नाम है दुकान का? अब ये दुकान है राज मोमोज। राज मोमोज रायपुर में मरीन ड्राइव के सामने, बहुत बढ़िया बनाते हैं आज भाई। और आज खा के फिर आपको हम ट्रायल भी देंगे, क्यों भैया खा के बताते हैं कैसा है और आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मोमोज रेडी है। मोमोज को अपन खाएंगे, सबसे बेस्ट मोमोज में ये है कि चटनी इसकी ठीक है कि चटनी मिर्ची चटनी है ना, मिर्ची की चटनी बेस्ट चीज़ है मोमोज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरी चटनी खाएंगे एकदम गर्म है, बहुत ही बढ़िया भाई। पूरा खा जाऊंगा मैं। तो मोमोज के लिए मरीन ड्राइव के सामने राज मोमोज बेस्ट। भेलपुड़ी बनाते हो क्या भैया? भेलपुड़ी बनाते हो? एक बनाओ भेलपुड़ी। एक ही बनती है कई टाइप की बनती है? हैं? एक बनाओ चलो। ये सब घर से बना के लाते हो सामान? सामान सब घर से लेके आते हो? रेडी बस मिला दो। ये तैयार हो गई हमारी बेल, खा के देखते हैं कैसी है। बढ़िया हालांकि बढ़िया मिलती है। सिंह जी की बेल खा के देखते हैं कैसी है। बहुत ज़्यादा बढ़िया, इतना सोचा ही था मैंने बढ़िया होगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इतना सोचा ही था बढ़िया होगी। बहुत बढ़िया मरीन ड्राइव के सामने।
बावली बनाते हो क्या भाई? बड़ा पाव बनाते हो? कौन सा वाला बनाते हो? बड़ा पाव शेजवान वाला बनता है, मियानीस वाला बनता है, चीज वाला। ज्यादा कौन सा चलता है? रेगुलर। रेगुलर क्या रहता है उसमें? वो मीडियम रहता है। एक बनाओ दो चलो। अब भाई हमारे बड़ा पाव बना रहे हैं, क्या नाम भाई तुम्हारा? युवराज। युवराज बहुत बढ़िया लग रहा है कि अच्छा होगा बड़ा पाव। ये क्या डाले हो? ब्लैक बटर। अच्छा बटर। तुम केवल बड़ा पाव बनाते हो? अगर दुकान वाले सब आपस में बांट लिए ये तुम ये तुम है। भाई हमारे बड़ा पाव बना रहे हैं, अभी क्या करोगे इसमें? डालो कुछ। क्या डालोगे? सब घर से बना के लाते हो? ये देखो पन्नी, ये देखो पन्नी पहन के बकायदा ये मिला रहा है। तो चिंता मत करो, साफ सफाई का पूरा इंतजाम है, देख लो। मतलब कोई देख नहीं रहा भाई को, लेकिन भाई पूरा इंतजाम से चल रहा है। अच्छी बात है, ये बुरी बात भी दिखाओ अच्छी भी दिखाओ। नहीं अब इधर वाले भाई को देखो, ये मटेरियल डाल दो इसके अंदर। स्पेशल डिश है, कोई देख नहीं पा रहा इसको किसी को मालूम भी नहीं क्या डाल रहा है, लेकिन कुछ कुछ डाल रहा है। युवराज भाई डाला है और ये फिर उसने गरम किया। ऐसा करके मैं सीख जाऊंगा पूरा यार। मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? बगल में ठेला, कॉम्पिटिशन में ठेला। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, जिसका जो काम है उसमें वो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो उसको कर करके सीख गया। जिनका खा के हो गया बन गया। ये अपना बड़ा पाव तैयार है, खा के बताते हैं भाई का कैसा है। बनता वो तो एकदम अच्छा लग रहा था, अब खाने के बाद मालूम पड़ेगा टेस्ट में कैसा है। तो अपन ट्रायल करेंगे राज भाई का बड़ा पाव, लक्की बड़ा पाव। बढ़िया बना भाई, बहुत बढ़िया बना। ट्रेन ट्रैक के सामने चपाटी है, यहाँ पे तरह तरह का फूड मिलता है और अच्छी क्वालिटी का, बहुत बढ़िया। चाट बनाते हो क्या? कौन सी? टिक्की का है? टिक्किया की एक टिकट, अच्छी लगेगी फिर और लेंगे। घर से बना के लाते हैं सब रेडी करके। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरुण वो यही लगा तो डेलो? नहीं हाँ लगाते वहाँ लगाते, परमानेंट चंडी का टिकट लगाते। अच्छा, और ठेले का नाम क्या है? बालाजी। बालाजी मतलब मरीन ड्राइव के सामने बालाजी ठेला। चाट खाना है तो आम बन करके आओ और भाई से बोलो, मजा आ जाएगा। हाथ देखते कैसे बनिए, अभी ट्रायल करते हैं और फिर बताते हैं भैया का खाना कैसा है। ट्रायल करते हैं, आलू चाट डाले बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप चाट में, चाट और ऑलमोस्ट लिमिट में अपना बटी मामले। बहुत बढ़िया भाई की चाट टेस्ट की है, बहुत बढ़िया है। क्या कि जब भी संडे को आना संडे को लाते केला, तो क्या कि ट्राई कर सकते हैं आपकी अलग से उसको बदल रहा है। बहुत फ्लैग के तो पास पहुंच गए ऑलमोस्ट, तो वो आपको अभी व्यू दिखाते हैं कि टॉलेस्ट फ्लैग कैसा होता है। जो तो यहाँ पे है तो काफ़ी टॉल है, तो देख के ऐसा लग रहा है। और ये रायपुर में अच्छी चीज़ हुई है।
आज रायपुर का मरीन ड्राइव विजिट किया है। अभी आपने देखा जो वो मरीन ड्राइव के एक पार्ट में वॉल पेंटिंग की है, काफ़ी अच्छी वॉल पेंटिंग है, तो यहाँ का लुक काफ़ी बढ़ गया है वो। और दूसरा एक टॉलेस्ट फ्लैग यहाँ पे अपन ने आज देखा, काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी प्राउड मोमेंट है अपने लिए कि फ्लैग यहाँ पे लगाया है। आज रायपुर में मरीन ड्राइव आने के दो पर्पज़ थे। एक तो ये था जो इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग है उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, और दूसरा जो इंडिया का बेस्ट स्ट्रीट फूड है वो मरीन ड्राइव के सराउंडिंग में है, जो कि अपने एक्सप्लोर किया आज और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैंने शेयर किया है वो, आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा हुआ होगा। और अमेजिंग व्यू था मरीन ड्राइव का। एक तरफ तो पूरी वॉल पेंटिंग थी, बेहतरीन वॉल पेंटिंग, दूसरे तरफ चारों तरफ लोग वॉकिंग करने के लिए एक स्पेस मिला हुआ था, लोग काफ़ी जॉगिंग कर रहे थे, स्पेस का मजा ले रहे थे। सिटी के बीच में ऐसा एरिया मस्त होता है, और रायपुर के पास ये है, ये प्राउड वाली बात है। तो थैंक यू, आज आपने हमारा ये वीडियो देखा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय।